दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है जबरदस्त बारिश, दफ्तर लौटते वक्त जाम में फंसे लोग। झंडेवालान इलाके में भी तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी, गाड़ियों की लंबी कतार। बारिश के बाद गुड़गांव में महाजाम का संकट, एक बार फिर बिगड़े हालात। इफ्को चौक पर एक बार फिर जाम जैसे हालात, प्रशासन की तैयारी की खुली पोल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगह बारिश, 2-3 दिन रहेगा ऐसा मौसम। जम्मू कश्मीर में 51 दिन बाद अमन की लौटी आस, कई इलाकों में हटाया गया कर्फ्यू। जम्मू में सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, बोली केंद्र सरकार के पास संख्या बल, कश्मीर पर निकल सकता है बेहतर समाधान। जम्मू कश्मीर में अमन शांति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी शामिल। बारामूला में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी, एक जवान मुठभेड़ में घायल। कश्मीर में अमन शांति की पहल के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत, आरएसपुरा सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसा पाक का ट्रेन प्लेन, बीएसएफ ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी पर फंसे संगीतकार विशाल डडलानी, अंबाला में केस दर्ज, दिल्ली मुंबई में भी डडलानी के खिलाफ शिकायत, लड़की गिरफ्तारी की तलवार। अंबाला में भी विशाल डडलानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जुटे जैन मुनि तरुण सागर के अनुयायी, डडलानी के ट्वीट के खिलाफ प्रदर्शन। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर से मिले केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन, डडलानी के बयान पर मांगी माफी। जैन मुनि तरुण सागर ने कहा ऐसी टिप्पणियों से संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलाहाबाद में कांग्रेसियों ने बीजेपी के दोनों सांसदों के खिलाफ लगाए पोस्टर, बीजेपी सांसद श्यामचरण पर 5 किलो आलू और फूलपुर सांसद के केशव मौर्य पर फूल गोभी का इनाम। बागियों पर यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा जब जहाज में होता है छेद तो सबसे पहले भागते हैं चूहे, टिकट से नाउम्मीद लोग भागेंगे। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के बयान पर बवाल, महिला विदेशी पर्यटकों को रात में अकेले नहीं निकलने और स्कर्ट न पहनने की दी थी नसीहत, बाद में पलटे। डेरा सच्चा सौदा के खेल समारोह में हरियाणा के मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि, रूमाल चू के लिए 50 लाख डोनेशन। एनजीटी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, मुजफ्फरनगर शामली मेरठ बागपत गाजियाबाद गांव में पीने का पानी नहीं दे पाने पर मांगा जवाब। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे समेत 15 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, पुरस्कार पाने वालों में तीरंदाज रजत चौहान, बॉक्सर शिवा थापा भी शामिल। यूपी चुनाव, दलितों पर अत्याचार के मुद्दे की गूंज के बीच बीजेपी सांसद उदित राज का विवादित ट्वीट, लिखा बीफ खाकर हुसैन बोल्ट ने जीते 9 गोल्ड, बवाल बढ़ाने पर सफाई। यूपी सरकार ने भी सिंधु साक्षी दीपा कर्माकर के लिए किया इनाम का ऐलान, 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। यूपी के गोंडा जिले में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर अनूठी पहल, 1 लाख बच्चों ने की खेल की शुरुआत। बिहार के सुपौल में 63 आरडी के साथ पास टूटी नहर, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। एक महीने से बाढ़ संकट झेल रहा है भोजपुर जिला, 70% आबादी बाढ़ की चपेट में। बक्सर में राहत कैंपों की हाल बदतर, लोगों की शिकायत, खाने के नाम पर मिल रहा है चूहा। गंगा में बढ़े जल स्तर के कारण बरौनी कटिहार रेल मार्ग पर असर, सहरसा से गुजरी राजधानी एक्सप्रेस, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों की बकरियां चोरी कर भाग रहे शख्स की बोलेरो तालाब में पलटी, मुंह में टेप लगी, 12 बकरियों को बचाया गया। राजस्थान के धौलपुर में हो रही बारिश के चलते आंगई पर्वती बांध लबालब, मुख्यालय से करीब 5 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। पाली में जवाई बांध में पानी भरने से खोले गए 3 गेट, आसपास इलाकों में अलर्ट जारी। शेखावटी में 2 दिनों से लगातार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद पानी पानी हुआ बीकानेर, 6 मकान गिरे, ऊंट गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहे मरीज। बाड़मेर में भी लगातार बारिश से लोग बेहाल, नदियां उफान पर, 24 घंटे चेतावनी के। यूपी के संभल में बेखौफ बदमाश, व्यापारी से लूट लिए 1,80,000। इटावा में गोदाम में सार्वजनिक वितरण केंद्र की छत टूटी होने से गीला हुआ गेहूं, गरीबों को बांटने वाला गेहूं सड़ गया। चंदौली में एक मगरमच्छ बना लोगों के लिए दहशत, मगरमच्छ का शिकार बन चुका है शख्स। झारखंड के डुमरिया में बाढ़ की वजह से नदी में भरा पानी, रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं। हिमाचल के मंडी जिला के जबलपुर से कुल्लू जा रही बस खाई में गिरी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के छपरा में मिड डे मील केस में सजा का ऐलान, दोषी मीना देवी को 7 साल 10 साल की सजा,
पौने 4 लाख का जुर्माना, 23 बच्चों की हुई थी मौत। अलीगढ़ के छेछऊ गांव में मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी पर तनाव, पोस्टर में मुसलमानों से गांव छोड़ने की अपील, आरएसएस और वीएचपी का दावा, जानबूझकर लिखा उनका नाम। सोनीपत में 12वीं में पढ़ने वाला आशीष हॉरर किलिंग का शिकार, लड़की के परिवार ने पीट पीट कर हत्या की। नोएडा के कथित आरुषि हेमराज मर्डर केस में नूपुर तलवार को 3 हफ्ते की पैरोल, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल अपील की तैयारी के लिए आवेदन। विशाखापट्टनम में सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-29K के उड़ान के वक्त हादसा, रनवे पर दौड़ते वक्त गिरा ईंधन का टैंक, आग पर पाया गया काबू। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन के पैंट्री कार में छेड़खानी की वारदात पर रेलवे की कार्रवाई, पूरी घटना पर रिपोर्ट तलब। मुजफ्फरपुर में 12 साल के बच्चे को बदमाशों ने सिर में मारी गोली, दादा के साथ सो रहा था उदय। एबीवीपी नेता केसरी नंदन शर्मा को गोली मारने के लिए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता बंद। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, 46 पाउच देशी शराब तथा 13 बोतल विदेशी शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में 10 साल के बच्चे की जांबाजी की चर्चा, नदी में डूब रही 6 लड़कियों को डूबते देख कूदा, 4 की जान बचाई। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया, 70% जल चुकी लड़की की हालत गंभीर। आरोपी ने 10 लड़कों के साथ लड़की के घर पहुंचकर परिवार पर हमला किया, 3 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। ऑनलाइन कैब चालकों ने दिल्ली सरकार के मीटर से चलने के आदेश का किया था विरोध, घंटों तक रखा सड़क जाम। दिल्ली के जामिया नगर में 8वीं की छात्रा को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप, 20 से ज्यादा लड़कों ने बनाया हवस का शिकार। नोएडा के हरौला से लापता मासूम का मिला शव, बोरे में बंद नाले में पड़ी थी लाश, 2 दिन पहले हुआ था गायब। इटावा में पानी के टैंकर में लाई जा रही 2.5 लाख रुपए की अवैध बियर को जब्त किया गया, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। मुगलसराय में जीआरपी ने 2 लाख की नकली करेंसी के साथ युवक को पकड़ा, 4 नोटों के नंबर 1 जैसे। नोएडा की तमाम संस्थाओं ने मिलकर डीएनडी को किया टोल फ्री, डीएनडी कर्मी टोल से गायब। गाजियाबाद के लोनी से लापता 2 साल का बच्चे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, 15 अगस्त से था लापता। अमरोहा में पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़की भगाने के शक में युवक को गंजा कर, मुंह काला कर, जूता पहनाकर गांव में घुमाया। राजस्थान के भरतपुर में लोगों के साथ ठगी कर रुपए लूटने का गिरोह सक्रिय, लॉटरी निकालने का झांसा देकर 2 लाख लेकर भागे। झालावाड़ में 16 साल बाद गिरफ्त में आया रेप का आरोपी, नाबालिग को किया था अगवा। अलवर जिले के नीमराना में NIIT विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र 8 दिन से लापता, तलाशी में जुटे 250 पुलिस वाले। भरतपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, चोरी की 2 बाइक बरामद। उदयपुर के स्कूल में आपस में बात करने पर बच्चों को सख्त सजा, छात्रों को बनाया मुर्गा, लड़कियों से 100 बार कराई उठक बैठक। धौलपुर में दबंगों के डर से गांव छोड़ने वाले दलितों ने डीएम के कैंपस में लगाया डेरा, प्रशासन से इंसाफ की गुहार। भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई, 700 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को किया गिरफ्तार। पाली में नदी पार करते वक्त हादसा, संतुलन बिगड़ने से लहरों के साथ बहा। राजस्थान के फतेहपुर में शेखावटी में रुक्मिणी से विवाह के लिए निकली भगवान कृष्ण की बारात, आसमान से बरसाए गए फूल। पश्चिमी राजस्थान के हर घर में बिजली बनाने का मकसद, 160 किलो मेगावाट बिजली का प्लांट छत पर लगेगा, 1 दिन में 700 से 800 बिजली बनेगी। छिंदवाड़ा में समाज संस्थान ने कराया नाबालिग का विवाह, पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया। ग्वालियर स्टेशन पर नाबालिग को पुलिस ने बुरी तरह पीटा, जेब काटने का आरोप था। ग्वालियर में भाइयों के झगड़े में हंगामा, कोर्ट के आदेश का पालन करने गई पुलिस के साथ झड़प। मुरैना के बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, दीवार में लगाई थी सेंध। होशंगाबाद में नर्मदा में डाले गए नारियल पकड़ने की होड़ में मजदूर की 3 बेटियां बनी तैराक, राष्ट्रीय स्तर के तैराकी मुकाबले में मिली जीत। पुणे में दिन दहाड़े कांग्रेस नगर सेवक की बाजार में हत्या, विरोध के दौरान कई कर्मचारी घायल। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंधेरी फ्लाईओवर पर हादसा, 3 कारों में भिड़ंत, 3 घायल। लगातार हादसों की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अब ड्रोन से होगी निगरानी, नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना। मुंबई के वाशी नगर से गायब हुई 2 बच्चियां रेलवे स्टेशन पर मिली, सीसीटीवी में ले जाता दिखा था एक शख्स, बाद में रोता छोड़कर फरार। मुंबई में पर्यूषण पर्व से पहले मीट की दुकानों पर एक बार फिर सियासत, एमएनएस ने दुकानें बंद करने के खिलाफ किया प्रदर्शन। पहली बार फुल पैंट में देखे संघ कार्यकर्ता, आरएसएस के 90 साल के इतिहास में दूसरी बार ड्रेस में हुआ बदलाव।
दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर नाराज हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को भेजा नोटिस। पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत। प्रगति मैदान में शुरू हुआ 9 दिन का दिल्ली पुस्तक मेला। मेले का थीम है सर्व शिक्षा अभियान। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की भीड़। इलाज के लिए लंबा इंतजार। दिल्ली के पॉश इलाके फ्रीडम फाइटर्स कॉलोनी सैनिक फार्म इग्नू रोड पर अतिक्रमण और कूड़े के चलते जाम से जूझ रहे यात्री। पार्षद ने लगाया जागरूकता मिशन। पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ की वजह से बड़ी बर्बादी। 500 एकड़ की फसल बर्बाद। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में आग। लैबोरेटरी से शुरू हुई लपटें। मरीज सुरक्षित। आसनसोल में NH2 पर LPG गैस टैंकर में लीकेज से मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों के साथ पुलिस पहुंची। राजस्थान के बूंदी में रेप के बाद गर्भवती हुई नाबालिग बच्ची। 2 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई जांच। यूपी के सहारनपुर में 3 बाइक सवारों ने की लूटपाट। बैंक के गार्ड को गोली मारकर लाखों की लूट। अमृतसर के कोटमीत इलाके में कूड़े के ढेर से हैंड ग्रेनेड और मोर्टार शेल मिले। पुलिस ने जब्त किए हथियार। फरीदकोट में पंजाब सरकार के विकास के लिए लगे पोस्टर की हकीकत। जिस बुजुर्ग की लगी तस्वीर, उन्हें 10 साल से नहीं मिली है पेंशन। अमृतसर में लुटेरों ने किया युवक का कत्ल। गहनों के साथ सोने का सामान लेकर हुए फरार। फिरोजाबाद नगर निगम में महिलाओं ने फेंकी चूड़ियां। टैक्स वसूली खराब सड़क। पीने के पानी की समस्या का कर रही थी विरोध। कर्नाटक के विजयपुर में बैलगाड़ी के नीचे आए शख्स की बाल बाल बची जान। पारंपरिक पूजा के दौरान हादसा। रायपुर में डॉक्टर के घर से मिला हथियारों का जखीरा। पुलिस को नक्सली कनेक्शन होने का शक। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में टॉर्चर का मामला। अपराध कबूल करवाने के लिए बुरी तरह पीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में सियार का उत्पाद दुकान ही नहीं, कोतवाली में कोहराम। बिहार के बाढ़ में मालिक और पालतू बंदर की लुका छिपी। 4 घंटे तक मालिक को उछल कूद कर छकाता रहा बंदर। मुंबई में फैशन वीक के दौरान रैंप पर नजर आई करीना कपूर। बिपाशा बसु ने कहा रंग और कपड़ों का सुंदर मेल है फैशन।